मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास पर्व के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम कर रहे हैं। इस दौरान वो जन दर्शन यात्रा कर लोगों से मिल रहे हैं, जनता को विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान कटनी के बड़गांव पहुंचे, जहां उन्होंने 313 करोड़ 23 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का दिन बड़गांव के लिए ऐतिहासिक दिन है, आज यहां वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से उतरते से ही सीधे लाडली बहनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान बहनों ने मुख्यमंत्री चौहान पर पुष्प वर्षा कर 109 पवित्र जल कलशों से मुख्यमंत्री का आत्मनीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री चौहान ने 313 करोड़ 23 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बहोरीबंद जलाशय की नहरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण 13 करोड़ 28 लाख की लागत से किया जा रहा है, ताकि पानी सीधे आपके खेतों में जाए। आईटीआई भवन और बालक बालिका छात्रावास बनाए जा रहे हैं, जिससे छात्र छात्राओं को पढ़ने और रहने में कोई परेशानी ना हो। साथ ही स्लीमनाबाद में संयुक्त तहसील का भी निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमने बहोरीबंद उद्यान माइक्रो सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी है। इस योजना के पूर्ण होने पर लगभग 80,000 एकड़ कृषि भूमि पर सिंचाई होगी। वहीं आपको बता दें, इस कार्यक्रम में सांसद वीडी शर्मा और क्षेत्रीय विधायक प्रणय प्रभात पांडे व राघवगढ़ विधायक संजय पाठक सहित अन्य भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। किसान भाइयों, बहोरीबंद जलाशय की नहरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण भी किया जा रहा है 13 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से, ताकि पानी सीधे आपके खेतों में जाए। आईटीआई भवन और बालक बालिका छात्रावास बनाए जा रहे हैं और स्लीमनाबाद का तहसील का कार्यालय भी बनाया जा रहा है। लेकिन मेरे किसान भाइयों, इस सबसे भी आगे बढ़ के आज जो बात मैं आपसे करने वाला हूं, ये इलाका, यहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था तो हमने कर दी, लेकिन आज बड़गांव में आप सबको खुशखबरी लेके आया हूं। हमने बहोरीबंद उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना 1,011 करोड़ 5 लाख की स्वीकृत कर दी है, और इस परियोजना से लगभग 80,000 एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था होगी। इस पे तो किसान ताली बजाएं भाई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।